रीवा जिले का एक ऐसा गांव जहां नहीं लगवाते कोरोना वैक्सीन और ना ही चेहरे पर पहनते हैं मास्क। करियाझर के आदिवासियों ने वैक्सीन से तौबा कर लिया है, इन्हें कोरोना का कोई खौफ नहीं है। ना तो ये मास्क पहनते हैं, ना ही वैक्सीन को ही कुछ मानते हैं। इनका मानना है कि कोरोना गोड़ गांव में नहीं आएगा और अगर बीमार हुए तो सर्दी बुखार का इलाज खुद ही कर लेंगे। इनका कहना है कि मास्क की क्या जरूरत है, जंगल की हवा वैसे ही साफ सुथरी है। हम आपको बता दें कि जहां पूरा देश कोरोना महामारी के खौफ में है, मास्क सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही हर हाल में वैक्सीन लेना चाहता है हर आदमी, लेकिन रीवा जिले के आदिवासियों का एक गांव है जहां कोरोना का कोई खौफ नहीं। रीवा मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच बसा ये गांव है करियाझर। इस गांव के आदिवासियों में कोरोना का कोई खौफ नहीं है, ना तो वो मास्क लगाते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। हद तो ये है कि इन्हें वैक्सीन भी नहीं लगवानी है। इनका मानना है कि कोरोना बस इंजेक्शन में ही है, सर्दी बुखार से वो खुद इलाज कर ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये वैक्सीन लगी तो बेमौत मर जाएंगे। इसलिए ना तो वो खुद वैक्सीन लगवाएंगे और ना ही गांव में किसी को लगवाने देंगे। आइए जानते हैं मणिराज सिंह गौड़, स्थानीय करियाझर निवासी, क्या कहते हैं इस संबंध में। मानते हैं क्यों कोरोना से आपको बचाएगी वैक्सीन? वैक्सीन ही के तो हम कोरोना से मानते हैं सर, साल लगाते हैं तो हमको जहर हो जाता है, बीमारी पर हो जाता है, ठीक है फिर बुखार आ जाता है तो हमको विश्वास नहीं जमता है कि ये हमारे लिए रक्षा है ये कि तो हम इसी को वही के कोरोना समझते हैं कि कोरोना की दवाई हमको डाल रहे हैं शायद किटलियाँ ये हमारा निकालने के लिए, तो सबको हम डराते हैं, शक होता है। लोग बाग जैसे कहते हैं कि जाते हैं तो किटली निकाल लेते हैं, आंख निकाल लेते हैं और फिर लाश नहीं देते हैं। हाँ दादा, आप लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं क्या, क्यों? सर अब कहा बताएं कि क्या क्यों, अब वहाँ जे जा रहा है अपने यहाँ के बुजुर्ग दो चार 18 माने 50-60 वाले तो लगवा के आए सर, तो वो बीमार हैं, तो इसलिए हम लोग नहीं लगवाने चाहते हैं। बेकार है ये वैक्सीन, खतरा है हमारे लिए, इसलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं लगवाने। यहाँ सरपंच सेक्रेटरी धमकी देते कि न लगवाए तो राशन कार्ड से नाम कट जाए, खाद्यान्न न मिली। वैक्सीन तो आपको बचाएगी कोरोना से? जी बचाएगा, जाएगा पे होगा ठीक है। वैक्सीन अपने यहाँ कोरोना आएगा नहीं सर, हम ये वादा करते हैं कि अपने यहाँ नहीं आएगा कोरोना, ये सब वहाँ रहेगा दिल्ली बम्बई। आदिवासियों में कोरोना महामारी की जानकारी को लेकर अभाव है, सभी गांव में बिना मास्क के घूमते हैं, पास पास बैठकर गप लगाते हैं, सामाजिक दूरी का पालन भी नहीं करते। इनका मानना है कि गांव की हवा साफ है, कोरोना यहां नहीं आएगा और ना ही लोग बीमार होंगे। महिलाएं भी वैक्सीन लगवाने से बच रही थी, गाँव के बुजुर्गों ने तय कर लिया है कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ये गाँव मूलभूत सुविधा विहीन गाँव है, यहाँ न तो सड़कें हैं और ना ही अस्पताल, बीमार होने पर कई मीलों का सफर पैदल तय करना पड़ता है। ऐसे में आदिवासी इस बात से भी डरे हैं कि अगर वैक्सीन लगवाने के बाद तबीयत बिगड़ी तो वो गांव में ही मर जाएंगे, लिहाजा कोरोना का डर उतना नहीं है जितना कि वैक्सीन का है। हम आपको बता दें कि जहां केंद्र एवं राज्य सरकारें निःशुल्क वैक्सीन लगवाने का प्रण कर लिया है, वहां अंधविश्वास के चलते इस महामारी से बचने के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना आवश्यक है। वहीं इस गांव के लोगों को समझाइश देकर टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने अपील की है कि जिले में पर्याप्त संख्या में टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं जहां कोरोना से बचाव के टीका लगाए जा रहे हैं। सभी जागरूक नागरिकों को टीकाकरण कराना आवश्यक है जिससे कोरोना की ये जंग जीती जा सके। आइए सुनते हैं कोरोना टीकाकरण के संबंध में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी की ये अपील। आप सभी को विदित है, अभी अभी हम लोग है ना कोरोना महामारी से ना नंबर ऑफ केसेस है ना कम हुए हैं, बट अभी भी हम लोग है ना कचरे से बाहर नहीं है। इसके एक ही उपाय है, मतलब हमको सभी लोगों को है ना मतलब है ना टीका लगाना, टीकाकरण अभियान लगातार है ना हमारी चल रही है। पूरा ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में ना सेंटर्स है ना बनी हुई है,
कोई भी व्यक्ति ना टीकाकरण के बारे में कोई भी भ्रम फैलाएगा उसको बिल्कुल ना बिलीव ना करे। मतलब हमारे पास इस महामारी से बचने के लिए टीका ही है ना एकमात्र उपाय है और मास्क ना दूसरा उपाय है। सो सभी से ना मतलब अपील करता हूँ अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने आप को ना टीका लगाएं। अपना बुजुर्ग है ना माँ बाप है उनको ना टीका नहीं लगी है तो उसको तत्काल ना टीका लगाया जाए। अभी शासन की ओर से 18 प्लस का कितने भी लोगों को उसको टीका लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आप एक जागरूक नागरिक बने और टीका लगाकर अपने आप को और अपना परिवार को समाज को सुरक्षित रखने का है ना प्रयास करें।